बिहार में लड़कियों को नीतीश कुमार साइकिल बांट रहे हैं इसलिए कि वो स्कूल में पढ़ने जा सके, लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है कि उन विद्यालयों का क्या हाल है। इसके साथ ही चुनावी भर्ती का भी खूब ऐलान हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकालकर नीतीश जी खुद से अपना पीठ थपथपा रहे हैं और इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के पीठ पर पटना के सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लाठी भी गिरवा रहे हैं। अब आज आपको एक आंकड़ा बता देते हैं और इसे सुन के आप फिर से नारा लगाइएगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आंकड़ा सरकारी विद्यालयों से जुड़ा हुआ है, मतलब राज्य की शिक्षा से। आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राज्य या देश की शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तब सीधे सीधे हमारे सामने देश का भविष्य आता है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो किसी भी राष्ट्र के भविष्य को निर्धारित करती है। आज का आंकड़ा सुन के आपको बिहार के शिक्षा पर तरस आएगा। तरस आएगा सुशासन की उस सरकार पर जो दावा कर रही है कि राज्य में हमने शिक्षा की नदी बहा दी है, बस उसमें डुबकी लगा लीजिए। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में खुद इस बात की जानकारी दी कि पूरे देश में शिक्षकों की कितनी कमी है, और आपको जानकर गर्व होगा कि बिहार यहाँ भी टॉप कर गया। अब गर्व करना है या शर्म, ये बात नीतीश जी ही बता सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने लोकसभा में बताया है कि वर्ष 2020-21 तक पूरे देश में शिक्षकों के 61,84,464 पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध अलग अलग राज्यों में कुल 10,60,139 पद रिक्त हैं। इसमें सबसे अधिक शिक्षकों के पद बिहार में रिक्त हैं। वहीं मिजोरम में एक भी शिक्षक का पद रिक्त नहीं है। लक्षद्वीप में 83 और लद्दाख में 188 पद शिक्षकों का रिक्त है। रिक्तियों के मामले में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, जहां शिक्षकों के कुल स्वीकृति 6,88,157 पद के विरुद्ध 2,75,255 पद खाली हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2,17,000 से अधिक रिक्तियां हैं। वहीं झारखंड में 15,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि सर्वाधिक सीटें उत्तर भारत के ही राज्यों में खाली पड़ी हैं, और पूरे भारत में शिक्षा का स्तर भी इन्हीं राज्यों में सबसे खराब है। अब आप उन टॉप 10 राज्यों का नाम सुन लीजिए जहां सबसे ज्यादा सीट खाली पड़े हैं। सबसे पहला नंबर आता है बिहार का, यहां 2,75,255 पद। उसके बाद उत्तर प्रदेश 2,17,481 पद। इसके बाद झारखंड 95,897 पद। इसके बाद मध्य प्रदेश 91,972 पद। इसके बाद पश्चिम बंगाल 72,220 पद। छत्तीसगढ़ में 51,830 पद। राजस्थान में 47,666 पद। आंध्र प्रदेश में 34,888 पद। कर्नाटक में 32,644 पद। तो जम्मू कश्मीर में 21,806 पद। अब जाइए और नीतीश जी को बधाई दीजिए कि बिहार ने टॉप किया है। बाकी हमारे पास संसाधन की कमी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे सरकार कर भी क्या सकती है, अब साइकिल तो बांट ही रही है, लेकिन विडंबना देखिए कि जिस साइकिल से लड़की को पढ़ने स्कूल जाना है उस स्कूल में पढ़ाने वाला ही नहीं है। जहां 4 शिक्षक की जरूरत है वहां सिर्फ 2 शिक्षकों से काम चलाना पड़ रहा है। नए युवा इंतजार में बैठे हैं कि सरकार भर्ती निकालेगी, लेकिन सरकार उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब राज्य के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वैसे भी बिहार के सरकारी विद्यालयों की साख पूरे देश में कैसी है उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश जी इन सबसे बखूबी परिचित भी हैं। अब सुशासन की सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर कब तक बिहार को शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों से ताना सुनना पड़ेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाकी आपके स्क्रीन पर डोनेशन संबंधित जानकारी दिख रही होगी, उसके माध्यम से आप हमें मदद भेज सकते हैं और फ्री जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।